नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से खबर आ रही है जहां चैंबर में घुसकर एक डॉक्टर पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने डॉक्टर की जान बचाई है। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने मामला दर्ज करवा दिया है संबंधित थाने में। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां चैंबर में घुसकर डॉक्टर पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने डॉक्टर की जान बचाई। सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने मामला दर्ज करवा दिया है संबंधित थाने में। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैंबर में घुसकर डॉक्टर पर हमला किया गया, चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया है। जहां स्थानीय लोगों ने, वहां मौजूद लोगों ने और सुरक्षाकर्मियों ने डॉक्टर की जान बचा ली है। अस्पताल प्रशासन ने हालांकि संबंधित थाने में मामले को लेकर के अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। नासिर जैदी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रुक करेंगे नासिर का। नासिर, क्या था ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी लग पाई अब तक? ये राहुल, हम आपको बताएं कि बीकानेर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है आयुष्मान हर्ट केयर सेंटर नाम से। यहाँ के जो मालिक है वो है डॉक्टर पी एल स्वामी। तो डॉक्टर पी एल स्वामी का ये कहना है कि आज जब मैं अपने चैंबर में पेशेंट चेक कर रहा था तो अचानक एक शख्स आया और जो पहले कभी नहीं आया था, पहली विजिट थी उसकी, और आते ही उसने मुझे, मेरे साथ गाली गलौज की और उसके बाद में सीधा चाकू निकाला और चाकू से हमला किया। वो तो शुक्र करो कि वहां पर काफी लोग मौजूद थे, कुछ पेशेंट्स भी थे और सुरक्षाकर्मी भी थी और अस्पताल का स्टाफ भी था। तो उन लोगों ने बचाव करके डॉक्टर को उससे अलग किया हमलावर से, और हमलावर को पकड़ के एक तरह बिठाया और उसे पकड़ लिया। तो डॉक्टर का ये कहना है कि ये शख्स पहली मरतबा आया था, इससे पहले कभी इसको देखा नहीं, लेकिन इससे आते ही गाली गलौज की और किसी के जरिए ये शख्स आया था। जी राहुल। जी नासिर, ये क्या कुछ पुलिस में क्या गिरफ्तार कर लिया है व्यक्ति को, उनकी उनकी हिरासत में है व्यक्ति? जी जी जी, डॉक्टर की तरफ से और अस्पताल प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पुलिस ने उसे डिटेन किया है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो डॉक्टर पी एल स्वामी है वो सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टर स्वामी के कुछ चोटें जरूर आई हैं बीच बचाव करते वक्त, उन्हें काफी चोटें लगी हैं। हालांकि जानलेवा हमला नहीं था, लेकिन हमलावर का इरादा यही था कि वो जानलेवा हमला करे, लेकिन डॉक्टर के साथ बीच बचाव होने से डॉक्टर जान बच गई और डॉक्टर सुरक्षित है। जी राहुल। ना सर, युवक को क्या हिरासत में ले लिया है पुलिस ने? जी, मैंने अर्ज किया, डिटेन किया है, हिरासत में लिया है युवक को। ठीक है, ठीक है। नासिर, जिन डॉक्टर पर ये हमला हुआ वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है आपकी? आप बी एल स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी सर, आप सुरक्षित हैं? आप कैसी तबीयत है आपकी, किस तरह ये घटनाक्रम घट गया? देखिए, मैं कल 2 बजे मैं मेरी ओपीडी में पेशेंट्स देख रहा था, उसी वक्त 2 बंदे आते हैं, उनको मैंने पहले तो बैठाया, उनको आप बैठ जाइए, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनकी पहली बात सुनी मैंने, तो उनकी बात में कोई दम नहीं लगा। तो फिर वो, उनको मैंने ये पूछा कि भाई तुम क्यों आए, क्यों हो, तो बोला कि हम ट्विटर चलाते हैं। तो फिर कहते हैं कि हम बाहर हल्ला करेंगे आपके बाहर और आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो मैंने उनको कहा भैया आपके साथ मेरे से गलती क्या हुई वो तो बताइए जी। तो उन्होंने वो, उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। उसके बाद में वो चैम्बर के अंदर मेरे पास ये जो ये ना स्टील वाला जो चाकू आता है जिसको बंद करके और जेब में डाल के रखते जी, जी। वो वाला लेके हम लकड़ने लगे, तो मेरा मैनेजर उस वक्त वहीं खड़ा था, तो मैनेजर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में फिर हमने बाहर हल्ला किया तो हमारे गार्ड वगैरह सब लोग आ गए, तो उन्होंने मुझे एकदम सुरक्षित बचा लिया और कोई मेरे को शरीर को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। पर बात है कि जो भी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं देश में डॉक्टर्स के साथ, तो ट्रीटमेंट करना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये इसमें पीछे क्या आपको लग रहा है, क्या बात हो पाई आपकी किस वजह से, क्या वो नाराज थे किसी बात से आपसे, कोई आपसी रंजिश का ये मामला था? नहीं नहीं, ये आपसी रंजिश का मामला नहीं था। वो जो पेशेंट की पार्टी थी, वो जो लोग थे, वो मेरे को, जो मेरे परसेप्शन है ये है कि वो मेरे से कुछ ब्लैकमेलिंग करके कुछ पैसे मांगने आए थे, जो मैंने देने से उनको मना कर दिया। तो मुख्यतः उनका यही मामला था और कोई मेरी उनसे पर्सनल रंजिश, कभी कोई नाराजगी इस तरह से कुछ भी
रही नहीं। तो डॉक्टर साहब पुलिस में आपने शिकायत दर्ज करा दी है, क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई अब तक? पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया, उन्होंने अपने सारे काम में जो है मौका मुआयना करके पुलिस अपना सेटिस्फेक्ट्री काम कर रही है। मैं पुलिस की कार्रवाई से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे उम्मीद है पुलिस अपराधियों तक जल्दी पहुंचेगी, मुझे इस चीज का पूर्ण विश्वास। डॉक्टर साहब हिरासत में ले लिया है उन लोगों को पुलिस ने? अब देखिए मेरे को खुद को पता नहीं है, मेरी उधर थाने में किसी से बात नहीं हुई, पर मैंने किसी से सुना है कि उन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठता है जिस पर मैं आपसे बात करना जरूर चाहूंगा। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश के अंदर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल के अंदर चाकू लेकर के दो शख्स घुसाते हैं और आपके चैम्बर में घुस कर आप पर हमला कर देते हैं। ये अच्छी बात रही कि बिल्कुल आप सुरक्षित हैं, आपको कोई चोट नहीं आया आपने बताया, लेकिन हादसा हो सकता था, आपको चोट भी आ सकती थी। डॉक्टर्स की सुरक्षा की जो मांग उठ रही है इस संबंध में ये जो प्रकरण आपके साथ हुआ ये बड़ा मजबूत करता है उस मांग को, क्या कहना है आपका? देखिए मेरे यहाँ हॉस्पिटल में मैं पिछले 5 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो पहले भी इस तरह की छुटपुट घटनाएं हमारे यहाँ हॉस्पिटल में होती रही हैं। तो अभी मैंने पिछले दिनों से 2-3 गार्ड और बढ़ा लिए थे क्योंकि मुझे लगता है कि हम हार्ट अटैक के मरीज आते हैं, उनकी कभी भी किसी मौके पे मृत्यु हो सकती है। तो जब हम क्रिटिकल केयर में काम करते हैं किसी की जान चली जाती है तो मरीज के परिजनों का भी उनकी भावनाएं भी उनके साथ होती हैं। हम बहुत पोलाइटली उनसे बात भी करते हैं पर फिर भी कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो फिर उस वक्त जब उनका मरीज की जान चली जाती है तो वो डॉक्टर की जान लेने पे उतार हो जाते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। मेरी नजर में आज तक धरती पे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो किसी मरीज की जान बचाने का प्रयास अपने दिल से कभी भी नहीं करता होगा, ऐसा मेरी जानकारी में आज तक कोई डॉक्टर मैंने नहीं देखा। मैंने खुद ने भी इतने हार्ट अटैक के मरीजों के एंजियोप्लास्टी इतने पेशेंट रेस्क्यू किए होंगे मेरी लाइफ में, पर मुझे ये उम्मीद मरीज के साथ वालों से कभी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्वस्थ रहें, हम लोग यही चाहते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट्स के लिए आप लोग खड़े रहते हैं और इस तरह का हमला जब आपके ऊपर होता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाना चाहिए। हालांकि आपने बताया कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर BL स्वामी हमारे साथ थे जिन पर बीकानेर के उनके चैम्बर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया चाकू से, हालांकि वो सुरक्षित हैं।